चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीट 25 या इससे आगे वाली एग्जाम के लिए अभी इसके एग्जाम पैटर्न में चेंज करने की प्लानिंग में है। अभी इस एग्जाम को जो 2025 में एग्जाम होगा नीट का, या फिर 2026-27 आगे वाले ईयर्स में जो एग्जाम होगा, उन एग्जाम्स के एग्जाम पैटर्न को चेंज करने की प्लानिंग कर रही है। अभी ये प्रपोज्ड है, गवर्नमेंट का ये प्लान है कि ये जो एग्जाम है वो दो टाइप्स में कंप्लीट किया जाएगा और इसकी जो कंडक्टिंग बॉडी होगी दोनों एग्जाम की वो अलग अलग होगी, यानी कि ये ड्यूल बॉडी होगी इनकी एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। अभी ये दो एग्जाम में कैसे कंडक्ट होगा, इसके लिए दो एग्जाम में कंडक्ट होने के लिए प्री और फाइनल दो एग्जाम होंगी। सबसे पहले प्री एग्जाम लिया जाएगा और उसके बाद में फाइनल एग्जाम लिया जाएगा। नीट 2016 से पहले, जब नीट 2013 आया था पहली बार, उससे भी अगर पहले का हम देखें इसमें, तो इसमें 2012 तक AIPMT हुआ करता था। मैं आपको यहां पहले एक बार पूरा समराइज करवा देता हूं कि ये पहले कैसे एग्जाम हुआ करता था AIPMT का, यानी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था और ये 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए होता था। स्टेट 85 के लिए सभी स्टेट अपना एग्जाम कंडक्ट करवाते थे। 2012 तक ये एग्जाम दो फेज में कंडक्ट होता था। 2012 तक जो AIPMT हुआ करता था, ये प्री और मेंस दो एग्जाम हुआ करते थे, दोनों पेन एंड पेपर मोड में हुआ करते थे और 3 आवर्स का पेपर हुआ करता था AIPMT 15% ऑल इंडिया सीट्स के लिए। इसमें जो प्री एग्जाम होता था वो 800 मार्क्स का होता था, 200 क्वेश्चन होते थे, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के हुआ करते थे। जो मेन एग्जाम होता था वो 480 मार्क्स का होता था, 120 क्वेश्चन आते थे, 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन हुआ करता था। ये 2012 तक हुआ करता था, यानी 2012 तक AIPMT के दो फेज में एग्जाम होते थे और यही प्लानिंग अभी नीट 2025 और आगे आने वाले ईयर्स में कंडक्ट करने की प्लानिंग में है गवर्नमेंट। अब एक बार देख लेते हैं, 2012 तक तो ऐसा हुआ था, लेकिन 2013 में नीट का एग्जाम हुआ था 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए, सिर्फ ये एक साल 2013 में हुआ था। 14 की अगर बात करें तो फिर से AIPMT हुआ था 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए, और 16-15 में भी ये AIPMT हुआ था 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए। 2016 में पहले तो AIPMT हो गया था, लेकिन उसके बाद में नीट का एग्जाम सभी के लिए हुआ था। ये AIPMT 15% के लिए हुआ था, लेकिन बाद में सभी के लिए नीट लागू कर दिया था 2016 में, और 2016 के बाद से अभी नीट चलता आ रहा है, अभी तक ही नीट चल रहा है, अभी तक नीट का एग्जाम हो रहा है, ये हम सबको पता है। लेकिन 2012 तक AIPMT दो फेज में हुआ करता था। इसी बेस पर ये 2025 के बाद या 2025 में भी गवर्नमेंट इसी प्रकार की प्लानिंग कर रहा है, ऐसा एग्जाम लेने की प्लानिंग कर रहा है कि ये दो फेजेज में एग्जाम हो और इनकी दो जो बॉडी है वो ही कंडक्ट करवाए। तो जो पहला प्री एग्जाम होगा, जो पहला प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, वो एग्जाम सभी कैंडिडेट्स के लिए होगा। ये एग्जाम ऑल कैंडिडेट्स के लिए होगा, ये ऑल कैंडिडेट्स के लिए होगा। और जैसे नीट का एग्जाम होता है सभी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए, सभी स्टूडेंट को ये प्री एग्जाम देना होगा। इस प्री एग्जाम के अंदर 4 से 5 गुना जितनी सीटें हैं, जैसे कि मान लो अभी 108,000 सीटें हैं, तो इनका 5 गुना यानी कि 540,000 कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट करके, इस प्री एग्जाम में 5 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट करके, जो इसमें पास होंगे उनका 5 गुना एग्जाम में सेलेक्ट करके फाइनल एग्जाम लिया जाएगा, और उन फाइनल एग्जाम वाले कैंडिडेट का जो मेरिट बेस पर होगा वो सिलेक्शन होगा। जैसे अभी जेई मेन में होता है, और जेई के एग्जाम में जेई एडवांस होता है, जैसे कि जेई मेन का एग्जाम होने के बाद में 1.5 लाख बच्चे एडवांस के लिए निकाले जाते हैं, इसी प्रकार से इसमें जो फाइनल एग्जाम होगा उसके लिए जो प्री एग्जाम है उसके पास्ट स्टूडेंट को 5 गुना को ले लिया जाएगा, जितनी सीटें हैं उनके 5 गुना में ले लिया जाएगा, और फिर उनका फाइनल एग्जाम लगवाया जाएगा, और फाइनल एग्जाम के बेस पर ये सिलेक्शन दिया जाएगा जितने सीटें हैं। अब जो प्री एग्जाम है, अब इसमें एक चीज और है, जो इसका जो इलिजिबिलिटी कट ऑफ है, इलिजिबिलिटी जो कट ऑफ है, क्वालिफाइंग मार्क्स कट ऑफ, मान लो आप जो अभी क्वालिफाइंग मार्क्स कट ऑफ होता है वो कट ऑफ
प्री एग्जाम के स्कोर के अकॉर्डिंग सेट किया जाएगा। वो प्री एग्जाम के अकॉर्डिंग सेट क्यों किया जाएगा? वो इसलिए किया जाएगा क्योंकि जो मेन एग्जाम है, जो फाइनल एग्जाम होगा, उसमें बच्चे पास आउट होंगे, उसमें पास होंगे और उसमें एडमिशन लेंगे, वो एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में ले लेंगे, रेपुटेटेड प्राइवेट कॉलेज में ले लेंगे। लेकिन कुछ एक प्राइवेट कॉलेजेस की फीस इतनी ज्यादा जाती है जो करोड़ से भी ऊपर होती है, तो ऐसे बच्चे फाइनल एग्जाम के स्कोर पर हो सकता है ये बच्चे सारे ना हो जो प्राइवेट में एडमिशन ले सके 1 करोड़ एंड अबोव की फीस पर। तो इसमें जो प्री एग्जाम है उसके बेस पर उनको एडमिशन दिया जा सकता है यहाँ पर। इसलिए जो इलिजिबिलिटी कट ऑफ रहेगी, जो क्वालिफाइंग कट ऑफ रहेगी, वो प्री एग्जाम के अकॉर्डिंग रहेगी, क्योंकि जब फाइनल एग्जाम में जो बच्चे पास करेंगे फाइनल एग्जाम को, हो सकता है उनमें से करोड़ बच्चे देने वाले नहीं हो, 1 करोड़ रुपीज देने वाले नहीं हो, तो इसमें जो प्री एग्जाम है उसके बेस पर उन प्राइवेट कॉलेजेज या डिम्ड में एडमिशन लिया जा सकता है। तो ये इलिजिबिलिटी कट ऑफ इस बेस पर रहने की पॉसिबिलिटी है। अभी जो प्री एग्जाम होगा वो भी पेपर मोड पर होगा और ये एनटीए ले सकता है या कोई भी ये कंडक्टिंग बॉडी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर ये एनटीए ले सकता है, जैसे अभी 25 लाख स्टूडेंट इसमें बैठे हैं, 24 लाख बैठे हैं इस बार, 23.23 लाख स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठे हैं नीट के एग्जाम में 24 में। तो ये 25 के एग्जाम में 27 लाख भी हो सकते हैं, 26 के एग्जाम में 30 लाख भी हो सकते हैं, 27 के एग्जाम में 33 लाख भी हो सकते हैं। तो ये प्री एग्जाम में हो सकते हैं, लेकिन जो फाइनल एग्जाम में होगा ये नंबर ऑफ सीट्स का 5 गुना होगा, मतलब 5 लाख 7 लाख ऐसे हर साल बढ़ते जाएंगे और ऐसे ये स्टूडेंट हो सकते हैं इन दोनों एग्जाम में। फाइनल एग्जाम होगा वो सीबीटी मोड में एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है, ये एग्जाम दूसरी बॉडी लेगी। यहाँ ऊपर ड्यूल ऑर्गेनाइजेशन लिखा है कि मतलब ये जो प्री एग्जाम होगा वो एनटीए ले सकता है और जो फाइनल एग्जाम होगा वो एम्स ले सकता है, सीबीएसई ले सकता है, नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी एनबीई ले सकता है, तो ये एग्जाम ले सकते हैं। तो ऐसा गवर्नमेंट प्लानिंग कर रहा है। अभी मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी, मतलब की जो सिक्योरिटी रहेगी एग्जाम कंडक्ट करवाने की, उसका जो लेयर रहेगा वो मल्टीपल लेयर, मतलब सिक्योरिटी इतनी ज्यादा रहेगी कि लीक होने के कहीं भी चांसेस ना हो, ऐसा इसमें किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर सिक्योरिटी रखी जाएगी कि लीक होने के कोई चांसेस ना हो। तो ये एक बार मैं वीडियो का आपको समराइज करवा देता हूँ कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है अभी ये जो नीट 25 का या फिर इससे आगे वाले इयर्स में आने वाले एग्जाम को दो मोड में लेने की, दो फेज में लेने की, दो टायर्स में लेने की ये पॉसिबिलिटी लग रही है। इसमें जो फर्स्ट फेज रहेगा वो प्री एग्जाम रहेगा, सेकेंड फेज फाइनल एग्जाम रहेगा जिसे मेन भी कहा जा सकता है। प्री एग्जाम पेपर एंड पेन एंड पेपर मोड में होगा और जो फाइनल एग्जाम होगा वो सीबीटी मोड में होगा। जो प्री एग्जाम होगा वो सभी स्टूडेंट के लिए होगा। इन प्री एग्जाम में जो इंडिया में मेडिकल की सीटें हैं उनके 5 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। इलिजिबिलिटी कट ऑफ रहेगी वो प्री के हिसाब से रहेगी, ताकि जो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट हो या बीएचएमएस बीएमएस इनमें एडमिशन लेने वाले हो, वो प्री के स्कोर पर भी एडमिशन ले सकते हैं। जैसे वेटनरी हो गया, यानी कि एमबीबीएस बीडीएस के अलावा बाकी जो कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं वो प्री का भी रखा जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से ये मेन और प्री दो एग्जाम होंगे और ये इनकी कंडक्टिंग बॉडी होगी वो अलग अलग होगी। एग्जाम्पल के तौर पर प्री की एनटीए हो सकती है तो मेन की एम्स वगैरह सीबीएसई या एनबी जो भी हो सकती है। पेपर का जो सिक्योरिटी रहेगा वो काफी टाइट रहेगा इसमें, यानी कि पेपर कहीं लीक होने की कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। अब हम लास्ट पॉइंट पर आते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है वो लेवल हाई रहेगा। हालांकि गवर्नमेंट की प्लानिंग में ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट मेरी तरफ से है, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन का पेपर रहा है वो क्वेश्चन का पेपर इतना हाई लेवल नहीं रहा है। 2024 की मैं बात करूं तो 2024 का जो पेपर का लेवल रहा है वो इतना स्टैंडर्ड नहीं है। हालांकि मैं एक बात मानता हूं कि पेपर लीक जरूर हुआ है, पेपर लीक हुआ है, इससे रैंक भी बढ़ी है, लेकिन रैंक बढ़ने का दूसरा कारण ये जो पेपर का लेवल है 2024 का, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। मैंने 24 मई 2024 को एक वीडियो बना के बताया था, उस वीडियो का लिंक मैं यहां भी दे रहा हूं, इसके आगे वो वीडियो आपको मिलेगा। उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि इस बार का जो मार्क्स वर्सेस रैंक रहेगा वो बहुत ही ज्यादा रहेगा और इतना ज्यादा रहेगा कि इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मैंने क्यों बोला था, ये मैंने इसलिए बोला था
पेपर लीक के बेस पर नहीं बोला था, मेरे को उस समय पता भी नहीं था कि इस समय इतना पेपर लीक हो गया है, लेकिन मैंने उस बेस पर बोला था कि इस बार जो स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे थे वो काफी ज्यादा आ रहे थे। मैंने कोचिंग्स में जाके देखा, हर एक स्टूडेंट के काफी ज्यादा मार्क्स आ रहे थे। ऐसी कोचिंग भी थी जिनके 650 प्लस बहुत ज्यादा स्टूडेंट के आ रहे थे, ऐसी छोटी कोचिंग भी थी जिनसे 650 कभी आया ही नहीं है, इस बार 650 आ रहा था उन कोचिंग से। तो ये पेपर लेवल का नतीजा है, आप चाहे मानो या ना मानो ये सच है। दूसरी बात, एक बात आप अपने हिसाब से बिल्कुल सच ये मानना है कि जो आपके टेस्टों में नंबर आ रहे थे वो नंबर मेन एग्जाम में कितने इंक्रीमेंट हुए हैं। मेरा मानना ये है, और मैंने जिन बच्चों से बात किया उनसे ऐसा प्रतीत हुआ है कि जिन बच्चों के टेस्ट में 600 नंबर आ रहे थे मेन एग्जाम में, उनकी 640, 650, 660 ये मार्क्स आ रहे हैं, जो उनका एवरेज उनका टेस्टों में 600 चल रहा था। आप अपने एक बार दिल पे रख के बोलिए, अपने दिल पे रख के सच बोलिए कि आपके जो टेस्ट में नंबर आ रहे थे वो इस मेन एग्जाम में कितना इंक्रीमेंट हुआ है उनमें। हर साल ऐसा होता है, जो टेस्टों में नंबर आते हैं, जो आप डीटीएस देते हैं, आरटीएस देते हैं, उनमें जो टेस्टों में नंबर आते हैं उनसे मेन एग्जाम में 10-20 नंबर कम आते हैं, 10-20 नंबर कम आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार टेस्ट से मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं। अभी काफी सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर आप तो पेपर लीक के अगेंस्ट हो। नहीं, ऐसा नहीं है, पेपर लीक हुआ है, मैं भी पेपर लीक के फेवर में हूं कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन ये भी एक रीजन है कि जो क्वेश्चन पेपर का इस बार का लेवल है वो इतना अच्छा नहीं था। दूसरा, मैं आपको रैंक बढ़ने का एक और रीजन बता देता हूँ। पेपर लीक का रीजन तो है ही, दूसरा रीजन और है। देखो, इस बार पेपर का लेवल का दूसरा मैं आपको तरीका बताऊं, वो ये है कि जो पिछली बार से इस बार का एग्जाम में इंक्रीमेंट हुआ है वो ज्यादा है। हर साल ऐसा होता है कि पिछली बार का जो इस बार इंक्रीमेंट होता है वो मुश्किल से 50 या 60 नंबर होता है, लेकिन इस बार 2023 में जिन बच्चों के 600 मार्क्स आए थे, जिन बच्चों के 600 मार्क्स आए थे 2023 में, अब की बार उनके 690 मार्क्स आ रहे हैं, 680 मार्क्स आ रहे हैं, 670 मार्क्स आ रहे हैं। तो और जिन बच्चों के 550 मार्क्स आए थे उनके 670-680 वो भी आ रहे हैं इस बार। तो जो इंक्रीमेंट हुआ है ये इस बार ज्यादा है, जबकि इतना नहीं होता है, 50-60 होता है, लेकिन इस बार का जो इंक्रीमेंट है वो 100 तक है, यानी कि 100 तक है। ये हर एक बच्चे पर लागू नहीं है, फिर भी मैं बोलता हूँ ये अपवाद हो सकता है कुछ कुछ बच्चों के लिए, लेकिन जो एवरेज में है वो इंक्रीमेंट इस बार ज्यादा हुआ है। तो इस बार का जो लेवल है वो मैं नहीं मानता कि इतना अच्छा है। अभी जो आने वाले समय में ये लेवल होगा वो काफी ज्यादा हाई होगा। तो ये मैंने सारे आपको मेरे पॉइंट्स बता दिए। हालांकि रीनीट होगा या नहीं होगा वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, अभी 22 को इसका फाइनल डिसीजन भी आ जाएगा। मैं आपको हर एक वीडियो में बता रहा हूँ कि रीनीट होना हर एक स्टूडेंट के लिए अच्छा भी नहीं है, तो हर एक स्टूडेंट के लिए ये जो डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट का वो हर एक स्टूडेंट के लिए ठीक नहीं है, रीनीट भी ठीक नहीं है, रीनीट होना भी ठीक नहीं है, रीनीट नहीं होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि पेपर लीक भी हुआ है और उन बच्चों ने जो अच्छा स्कोर किया है उनके लिए रीनीट ठीक नहीं है। ये मैं आपको हर एक वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि जिस सिचुएशन पर अभी स्टूडेंट है वो दोनों स्टूडेंट के लिए ही रीनीट सही नहीं है, इसमें सभी को नुकसान होगा, क्योंकि रीनीट की जो स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं वो स्टूडेंट भी अभी पढ़ नहीं पाए हैं अच्छी तरीके से, वो भी इसी मोड पर आ जाएंगे जो पहले वाले मोड पर हैं, वो स्टूडेंट भी उसी मोड पर आ जाएंगे, पढ़ाई अभी तक किसी ने की नहीं है। तो ये है सारा का सारा। अब मैं आपको वो मेरा वीडियो भी सुना देता हूं जो मैंने 24 मई 2024 को राजस्थान की कटऑफ प्रिडिक्ट करते समय बोला था, और मैंने तकरीबन वीडियो में भी यही बोला था कि इस बार का जो मार्क्स वर्सेस रैंक है वो काफी ज्यादा जाएगा। तो आइए सुनते हैं वो वीडियो, और उसके बाद में मैं आपसे यही कहूंगा कि जो कुछ भी हो 2025 या उससे आगे आने वाले एग्जाम में बदलाव तो होगा, क्योंकि एनटीए की इस बार इतनी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है, तो इससे 2025 या इससे आने वाले एग्जाम में बदलाव जरूर होगा। तो आइए सुनते हैं वो इतनी ज्यादा कट ऑफ जाएगी। और मैं ये पहले आपको ये भी आगाह कर देना चाहता हूं कि इस बार जो मार्क्स वर्सेस रैंक रहेगी वो बहुत ही ज्यादा रहेगी, यानी कि जो रैंक आएगी जिस मार्क्स पे स्टूडेंट की वो बहुत ज्यादा होगी, जिसकी हम आशा भी नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा रैंक आएगी, ये मैं आपको पहले ही बता देना चाह रहा हूं।